नमस्कार फ्रेंड्स, प्रोस्टेट कैंसर आदमियों में सबसे कॉमन कैंसर है और जब प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है तो पेशेंट्स के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते और फिर भी उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया होता है, तो वो कन्फ्यूज होते हैं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर भी कैंसर डायग्नोस हो गया। मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करूँगा। देखिए, अगर किसी का लोकलाइज कैंसर होता है, लोकली एडवांस कैंसर होता है, मतलब कि जो कैंसर है वो कहीं बॉडी में फैला नहीं है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो चार ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जो अक्सर आपसे डॉक्टर्स डिस्कस करेंगे। पहला तो एक्टिव सर्वेलेंस, दूसरा हार्मोन थेरेपी, तीसरा सर्जरी और चौथा रेडिएशन। मैं चारों को एक एक करके डिस्कस करूंगा। देखिए, एक्टिव सर्वेलेंस में क्या करते हैं कि पेशेंट कहता है कि मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है तो मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना, तो हम लोग उनका रेगुलरली PSA टेस्ट करते रहते हैं और हर साल एक बारी बायोप्सी करते हैं। इससे हमारे को पता चलता है कि कैंसर कहीं प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा, और जब प्रोग्रेस करेगा तब हम सर्जरी कर सकते हैं। एक्टिव सर्वेलेंस उन्हीं के आइडियल है जिन लोग की एडवांस स्टेज है 80 ईयर से ज़्यादा, 85 ईयर से ज़्यादा, और वो सर्जरी के लिए फिट नहीं है। तो अगर सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो एक्टिव सर्वेलेंस करके उसको क्लोजली वॉच कर सकते हैं। जो यंग पेशेंट्स हैं, अगर वो एक्टिव सर्वेलेंस कराएंगे तो उनके लिए क्या होगा, हर साल उनको बायोप्सी करानी पड़ेगी और थोड़े टाइम के बाद वो कैंसर जब अग्रेसिव हो जाएगा तो 10-15 साल के बाद उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जो रिजल्ट सर्जरी के 50 साल की उम्र में आते हैं वो सर्जरी के 65 साल या 70 साल की उम्र में कभी भी नहीं आ सकते। तो आइडियली अगर आप सर्जिकली फिट हैं, यंग हैं और आपका कैंसर डायग्नोस होता है तो आपको सर्जरी करा के उसको ठीक करा लेना चाहिए। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है हार्मोन थेरेपी। प्रोस्टेट कैंसर एक हार्मोन सेंसिटिव ट्रीटमेंट है, मतलब कि जो मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो प्रोस्टेट कैंसर को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर और अग्रेसिव होता है, आगे बढ़ता है। हार्मोन थेरेपी का ये प्रिंसिपल है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो प्रोस्टेट कैंसर को स्टिमुलेट कर रहा है, उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सप्रेस करते हैं। जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो उससे प्रोस्टेट कैंसर को न्यूट्रिशन, नरिशमेंट नहीं मिलती और उससे प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स डेड हो जाते हैं। जो हार्मोन थेरेपी है कैंसर को ट्रीट नहीं करता, क्योर नहीं करता, ये सिर्फ कैंसर को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर किसी का लोकलाइज कैंसर है जो कहीं और फैला नहीं है तो हार्मोन थेरेपी उन लोगों का आइडियल ट्रीटमेंट नहीं है। हार्मोन थेरेपी सब उन्हीं पेशेंट्स की करते हैं जिनका कैंसर प्रोस्टेट से बाहर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, जैसे कि बोन्स में, लिवर में, ब्रेन में, कहीं पर भी फैल चुका है। तो अगर कैंसर फैल चुका है तो उसको सिर्फ प्रोस्टेट को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसे कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए जिसमें पूरा का पूरा कैंसर जो पूरी बॉडी में उसमें इफेक्ट आए और वो सप्रेस हो जाए। तो अगर आपका लोकलाइज कैंसर है तो हार्मोन थेरेपी आइडियल ऑप्शन नहीं है, बट अगर आपका स्टेज 4 कैंसर है तो उसमें हार्मोन थेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि स्टेज 4 कैंसर के अंदर पूरी बॉडी में फैला हुआ है कैंसर, तो उस कंडीशन में सिर्फ प्रोस्टेट को सर्जरी से निकालना या प्रोस्टेट वाले एरिया में रेडिएशन देने का कोई फायदा नहीं। तीसरा ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी में आजकल जो लेटेस्ट है वो रोबोटिक सर्जरी है। देखिए, सर्जरी पहले पेट काट के होती थी, पेट काट के जो होती थी वो मेजर सर्जरी है प्रोस्टेट कैंसर की, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और विजन भी इतनी अच्छी नहीं है, और जब हम सूचरिंग करते हैं तो इतनी प्रिसाइज सूचरिंग नहीं होती, तो इसलिए यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम और बाद में ICU में रहने की ज़रूरत और बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है। तो ओपन सर्जरी क्योंकि इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, तो आजकल जो लेटेस्ट सर्जरी है, जो बेस्ट सर्जरी है प्रोस्टेट कैंसर की, वो है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो 365 डिग्रीज फ्रीडम होती है, वो आर्म्स पेल्विस के अंदर पूरा का पूरा घूम सकते हैं, और जो हम विजन देखते हैं वो 3D विजन होती है और मैग्नीफाइड व्यू होता है, मतलब ये छोटी सी चीज़ है वो बहुत बड़ी दिखती है। तो रोबोटिक सर्जरी करके पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाल सकते हैं, उससे पूरा प्रोस्टेट बॉडी से निकल जाएगा और पेशेंट कैंसर फ्री हो सकता है। रोबोटिक सर्जरी का एक और फायदा है कि अगर आप यंग एज में रोबोटिक सर्जरी करा लेते हो तो पूरा प्रोस्टेट जब निकल जाता है तो ओल्ड एज की जो प्रोस्टेट की बीमारियां हैं, प्रोस्टेट ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन ब्लॉकेज, ब्लड में आना यूरिन में, ये सारी चीज़ें भी पेशेंट को कभी नहीं होती क्योंकि उनका प्रोस्टेट बॉडी से निकल चुका है। और चौथा ऑप्शन है रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर क्या करते हैं, प्रोस्टेट को निकालते नहीं है लेकिन रेडिएशन देते हैं प्रोस्टेट को, सराउंडिंग एरियाज को, जिससे कि कैंसर के सेल्स मर जाते हैं, और साथ में रेडिएशन के साथ हार्मोन थेरेपी भी देते हैं 2 साल के लिए। रेडिएशन उन लोगों के लिए सूटेड है जो सर्जरी से डरते हैं या सर्जरी कराना नहीं चाहते। अगर किसी का लोकलाइज्ड या लोकली एडवांस कैंसर है तो बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, बट अगर आपको सर्जरी से डर लग रहा है या सर्जरी आप कराना चाहते हैं तो रेडिएशन एक ऑप्शन है। रेडिएशन का क्या ड्रॉबैक है कि रेडिएशन में आपका प्रोस्टेट बॉडी के अंदर ही रहता है, तो बाद में यूरिनरी प्रॉब्लम्स या यूरिन में ब्लड आना, ये सब चीज़ें रेडिएशन के बाद हो सकती हैं, जो सर्जरी के साथ कोई रिस्क नहीं है। दूसरी बात, अगर कैंसर आपका वापस आए तो सर्जरी के बाद रेडिएशन बहुत ईजी है, लेकिन रेडिएशन के बाद अगर कैंसर वापस आ गया तो सर्जरी बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोस्टेट जो है वो पूरा बॉडी
के सराउंडिंग एरिया से, रेक्टम से, ब्लैडर से सीमेंट हो जाता है, टाइटली फिक्स हो जाता है। तो प्रोस्टेट को बाहर निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, जैसे कि ब्लैडर इंजरी, रेक्टल इंजरी, यूरिनरी लीकेज। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप रेडिएशन के बाद सर्जरी कराओ। लेकिन अगर आप सर्जरी के बाद रेडिएशन कराओगे तो इतने कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आराम से ये हो सकता है। तो अगर किसी का अग्रेसिव कैंसर है जिसमें हाई चांसेस हैं कि एक ही ट्रीटमेंट ना हो सके और मल्टीपल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हमेशा पहले सर्जरी करानी चाहिए और उसके बाद रेडिएशन करानी चाहिए। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको प्रोस्टेट कैंसर के चारों ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करे हैं, एक्टिव सर्वेलेंस, हार्मोन थेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन। अगर आपको भी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है और आप उसके लिए मेरे से ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।